है पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, बने अधबने पटाखे बरामद। मुजफ्फरनगर खतौली थाना क्षेत्र के काजियान मोहल्ले में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का किया खुलासा। कस्बे में बड़े पैमाने पर चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री, भारी मात्रा में बने पटाखों के साथ विस्फोटक सामग्री बरामद। अलग अलग शहरों में करते थे पटाखों की सप्लाई। खतौली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। बरामदगी में सामान, दो बोरे खाली नली, 10 पेटी पटाखे तैयार, 1 कट्टा रंग का, 2 बड़े बोरे तैयार पटाखे और 1 कट्टा छोटे पटाखों का भरा बरामद किया है। कट्टा नली का 1 पेटी स्टिकर कलर फॉग, 1 पेटी बड़े पटाखे कलर फॉग कलर, विभिन्न प्रकार के खाली डिब्बे, खाली छोटी। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुदेश राज, कांस्टेबल शाकिर, कांस्टेबल सचिन, कांस्टेबल आदि लोग रहे। सर, अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी है। कल एक सूचना मिली थी कि कस्बे में कोई अवैध कलरफुल पटाखे बनाने की फैक्ट्री का कार्य किया जा रहा है, तो जान सकते राय से ही लोग गए। मोहल्ला काजियान में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम नदीम और शाहनवाज है। उनके पास से जो अधबने पटाखे होते हैं और कुछ बने हुए पटाखे वो मिले हैं। ये विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत की अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें यह देखा जा रहा है कि अगर वह कलरफुल आइटम्स हैं तो वो तो चल जाते हैं, लेकिन जिसमें ये पटाखा और जो जिसमें विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं वो सब इसमें नहीं आता है। इनको ये भी जानकारी दी गई, उसके बाद इनको इनसे बरामदगी की गई और इनको अग्रिम कार्रवाई मुकदमे लिखकर जेल भेजा गया। सर, कार्रवाई के दौरान क्या कुछ चीज़ें इनके पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में कलरफुल पटाखे मिले हैं, उसको बनाने के मिले हैं, विस्फोटक सामग्री मिली है जिसको कि पटाखा बनाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पर ये अन्य जगहों पर इसको सप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास में रूरल एरिया है। हो सकता है कि कहीं ये अच्छे बड़े शहरों में इसको सप्लाई करते हैं और उससे कोई हादसा हो सकता, तो ये पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क किया गया। सर, ये कलरफुल जैसे आप बता रहे हैं, सर कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये पटाखे? मुझे ऐसा लगता है कि जो होली के समय में कहीं पर जैसे कहीं पर जुलूस निकलते हैं या घरों में खेले जाते हैं, कोई ऐसी जगह पर रहते हैं, उसमें इनका मिसयूज ही होता है। पटाखों का मतलब जो आतिशबाजी से बनने वाले पटाखों से है। अगर कलरफुल रोल्स रहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जहाँ पर भी विस्फोटक सामग्री रहती है वो अनसेफ है और उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए।